जी नमस्कार, मेरा नाम अनामिका महेंद्र कुमार गौतम है और मैं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष पद की जो है प्रत्याशी हूँ। मठ से, मठ नगर पंचायत से। क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया से आए हुए बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, जो आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर मेरी विचारों को सुना है। और मैं अपनी लाइनों को कुछ इस प्रकार शुरू करना चाहूँगी कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। हमारी नगर पंचायत का ये दुर्भाग्य है कि अभी तक जितने भी चेयरमैन यहाँ पर बने हैं उन्होंने किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं किया है। इसलिए प्रदेश की 545 नगर पंचायतों में हमारी नगर पंचायत पिछड़ी श्रेणी की नगर पंचायतों में सम्मिलित है। तो यदि मठ की देवतुल्य जनता ने मुझे चुना, मुझे अपना मत दिया, अपना आशीर्वाद प्रदान कर मठ का नगर पंचायत अध्यक्ष बनाया, तो मैं मठ नगर का इतना विकास करूँगी कि मठ नगर पंचायत को प्रदेश की टॉप 10 नगर पंचायतों में लाकर सम्मिलित कर दूंगी। जनता का क्या भला होगा इसमें जी बताइए? जी, जनता की भलाई होगी। जैसे अभी जो है गंदे रोड पड़े रहते हैं, साफ सफाई की अव्यवस्था बनी रहती है क्योंकि कर्मचारियों को समय से वेतन मुहैया नहीं कराया जाता है। तो यदि मैं नगर पंचायत अध्यक्ष बनती हूँ तो मैं कर्मचारियों को समय से वेतन दिलाऊंगी जिससे कि सफाई की व्यवस्था सुधरेगी, साथ ही साथ भ्रष्टाचार मुक्त हमारी नगर पंचायत मठ होगी एवं बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क का निर्माण करवाऊंगी जिसमें बच्चे बुजुर्ग जाकर बच्चे खेल सकें और एक्सरसाइज की मशीनें लगवाऊंगी जिसमें कि बुजुर्ग और युवा अपनी सेहत का विशेष ध्यान रख सकें। पूरे मेन रोड से लेकर जो हमारे मेन चौराहे हैं, बस्तियों के चौराहे हैं, उन पर स्ट्रीट लाइट लगवाऊंगी एवं CCTV कैमरे लगवाऊंगी जिसका सीधा प्रसारण हमारी मठ नगर पंचायत में होगा एवं मठ के थाना में होगा। इससे रात में आने जाने वाले किसी भी व्यक्ति को, बच्चियों को जो ट्यूशन जाती हैं, पढ़ने के लिए जाती हैं, जिनमें ये डर की भावना रहती है कि मैं इस कोचिंग जाऊंगी तो मुझे लोग किसी प्रकार से परेशान ना करें, तो उनमें वो भावना नहीं रहेगी और निडर होकर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकेंगे। जनता को कोई संदेश देना चाहेंगी मठ की? जी, मैं जनता को संदेश देना चाहूँगी कि आप किसी भी प्रकार के प्रलोभन में ना आएं और अपना बहुमूल्य एवं कीमती वोट अपने बहुत शिक्षित एवं समझदार प्रत्याशी को दें जिससे अपना मठ नगर का विकास हो सके। और जैसे विभिन्न प्रकार के प्रलोभन जो लोग देते हैं, जैसे कुछ खाद्य सामग्री बटवाते हैं, कपड़े बटवाते हैं, वो लोग आपकी हित का कार्य कतई नहीं करते हैं क्योंकि वो आपका हित नहीं सोचते हैं, बस थोड़े समय का वो लालच आपको देते हैं और उसमें आपका हित नहीं होता है, फिर आप 5 साल परेशान होते हैं। तो यदि आप अपना बहुमूल्य वोट मुझे देते हैं, मुझे प्रदान करते हैं, तो आपकी सारी समस्याओं का निदान मैं अवश्य करूंगी। अच्छा, और लोगों का ये मानना है कि आप टीचर हैं, फिर आप चुनाव कैसे लड़ रहे हैं? जी, मैं टीचर हूं, लेकिन मैं एडिट विद्यालय में टीचर हूं, जहां मुझे ये परमिशन मिल जाती है कि मैं जो है चुनाव लड़ सकती हूं। इससे किसी को भी किसी प्रकार की असावधानी नहीं होगी और ना ही ऐसा भी नहीं होगा कि किसी का कोई कार्य रुका है या कुछ है। मेरा एक टीम वर्क होगा, लेकिन जो निर्णय अंतिम होगा वो मेरा स्वयं का निर्णय होगा, ना कि मैं किसी भी डमी कैंडिडेट के रूप में कार्य नहीं करूँगी। मैं स्वयं पूरे निर्णय लूँगी एवं मठ की विकास के लिए मेरा समय आधी रात को भी, महिलाओं के लिए, किसी भी बच्चे के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। और मैं जरूर कहना चाहूंगी कि हमारी मठ का ये दुर्भाग्य है कि संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, जिनका नाम देश और दुनिया में भी है, उनकी आज हमारे मठ नगर में बताइए एक स्टैचू तक नहीं है, एक स्टैचू का निर्माण भी किसी ने नहीं करवाया है। तो मैं वादा करती हूँ मठ की जनता से कि मैं बाबा साहेब की मूर्ति का अनावरण करवाऊंगी जिससे कि आने वाली पीढ़ियां, बच्चे उनसे, उनको प्रेरणा स्रोत मानकर आगे बढ़ने की प्रेरणा ले सकें। और विभिन्न प्रकार की जो भी समस्याएं आएंगी, जैसे कि जल भराव की समस्या आ रही है, कभी नगर में जो है रोड बनवाना है, गंदगी है, या किसी प्रकार की समय समय पर दवाइयों का छिड़काव करवाया जाएगा जिससे कि मच्छर हैं या कीटनाशक जो भी कीड़े होते हैं, बीमारियाँ होती हैं, वो ना फैल सकें, तो ऐसा निर्माण
कार्य किया जाएगा। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपना कीमती वोट मुझे देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद।